हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम मैथमेटिक्स का क्लास लेके आए हैं आपके लिए, क्लास 12 मैथमेटिक्स है ना, और हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, दैट मीन्स ऑब्व्यू। आपने हमारा फर्स्ट वीडियो इसका देखा है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने मैट्रिसेस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लीकेशन, और उस पर मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कराया, दैट मीन्स ओनली फंडामेंटल मैं आपको बताया। फिर मैंने अपनी प्लानिंग बताई थी आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन की वेराइटी, देखिए मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, आप जितने राइटर के बुक उठा के देखेंगे आपको न्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैथ्स का बिहेवियर है, मैथ्स का नेचर है। फिर हम कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारे सभी क्वेश्चन बन जाएं, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप सबसे पहले उसको अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फार्मूले लर्न करिए, प्रोसेस को आप समझिए। एक कोऑपरेशन मेरे को आपसे चाहिए, वो ये है कि मेरा क्लास लेने के बाद आप जो सिंपल क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, या जो आपके अप्रोच में है, जो आपसे बन जाते हैं, वो क्वेश्चन आप अपने बुक से, कोई भी बुक आपके पास होगा, उसे प्रैक्टिस करिए। मैं अपने क्लास में कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपको कलेक्शन दूँ, जो IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो। तो चूंकि मुझे लिमिट टाइम आपको देना होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह क्वालिटी टाइम हो, मतलब इजी क्वेश्चन को लेकर मैं आपके साथ लगे रहूँगा तो कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैं क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को इस तरह से मेंटेन करूँगा कि वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हो, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हो। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप ज़्यादा वेराइटी वाले, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन करिए, तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन होगा, मतलब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को टच करिए, क्लियर। तो मैं कोशिश करूँगा अपने क्लास में कि मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बता सकूँ जो कुछ ही क्वेश्चन बताने से आपके पूरे क्वेश्चन को कवर करें। तो चलिए एक एक टाइप के हम क्वेश्चन लेते जाते हैं। ये मेरा अपना कलेक्शन है, ये बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है, ये आपको NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये बहुत अच्छे राइटर के, मंजीत सिंह, बहुत सारे राइटर के बुक्स का कलेक्शन मेरा खुद का नोट्स है, उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और उसमें मैं IIT JEE के लेवल को क्वेश्चन को भी टच कर रहा हूँ। तो आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन मैं आप कराऊँगा, मेरा आपको सजेशन है कि उसके आप अलग से नोट्स बनाइए, क्योंकि बाद में वो आपको मिस हो जाएगा, और एक बुक में तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है मेरा, ठीक है। तो हम एक एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन का मैं पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया था, उसी पर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा AIJ इक्वल, इफ AIJ इक्वल i+2j होल स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, अपॉन 2। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का हमारा ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन में हमको 2x2 के मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब ऑर्डर क्या है हमारे मैट्रिक्स का, 2x2, और ये हमको गिवन है। तो ये मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ इस तरह टाइप का क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं। देखिए हमको चाहिए ए, जो मैट्रिक्स चाहिए उसका ऑर्डर है 2x2, 2 रो एंड 2 कॉलम, तो इसके एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा a11, a12, a21, a22। ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखना, ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में आता ही है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और बहुत आसान होता है। इसके बेस पर आप इसके वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, तो हमको पता है ये, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या, a11 दैट इक्वल, यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+2×1² और अपॉन 2, और इसको हम सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1+2 दैट मीन्स 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है।
इसके बाद हम फाइंड कर लें ए वन टू, ए वन टू फाइंड कर लें। तो यहाँ पर हम ए वन टू फाइंड करेंगे तो ए का वैल्यू, वाई का वैल्यू वन और टू इंटू टू होल स्क्वायर अपॉन टू, दैट इक्वल टू टू जब फोर प्लस वन फाइव और फाइव का स्क्वायर 25 अपॉन टू। इसके बाद हम ये एलिमेंट निकाल लें ए टू वन, ए टू वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसका वैल्यू टू प्लस टू इंटू वन होल स्क्वायर अपॉन टू, दैट इक्वल क्या हो जाएगा, ये टू प्लस ये टू होगा, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर 16 अपॉन टू, दैट इक्वल ये एट हो जाएगा। और लास्ट एलिमेंट हमारा ए टू टू इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 इंटू टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, दैट इक्वल टू टू जब 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन टू, दैट मीन्स 18। ये एलिमेंट्स निकल जाएंगे। इसके बाद हमको, मैं यहीं पर आंसर को लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स होगा लास्ट में अब क्या करेंगे, पूरे वैल्यू को आप यहाँ से पुट करेंगे। देखिए यहाँ इसको यहाँ पर लिखना है ना आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ कंटिन्यूस होगा ए वन वन वैल्यू कितना है 9 अपॉन टू, ए वन टू, ए वन टू का वैल्यू क्या है 25 अपॉन टू, ए टू वन एट और ए टू टू का वैल्यू कितना है 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत आसान है, लेकिन मैं इसको रिपीट इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा आता है। आंसर अपन एक बार टेली कर लें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन वैसे 9/2, 25/2, 8/18। क्लियर। तो ये आप तैयार कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आप और भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूं, और मेरा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पर कि मैट्रिक्स के दोनों, यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उसके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन ए प्लस टू ए प्लस बी, 2a प्लस बी रो में a माइनस टू बी एंड सेकेंड रो 5c माइनस डी एंड 4c प्लस 3d। और ये एक दूसरे मैट्रिक्स का इक्वल इसके एलिमेंट्स हैं 4 माइनस थ्री एंड 11 24। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये गिवन है और हमको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ये हमको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये है, और हमको ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए ये एक मैट्राइसेस का एक प्रॉपर्टी है कि यदि इसमें टू साइड्स हों, लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स इक्वल ऑर्डर के हों, देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो दोनों मैट्रिक्स यदि सेम ऑर्डर के हों तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसके संगत जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा -3, उसी प्रकार से इसका क्या होगा 11 और इसका 24, तो ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बहुत आसान है ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से क्या होता है, इससे हमको रिलेशन मिलेगा और उस रिलेशन को हम इक्वेशन सॉल्व करके ए बी सी एंड डी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, देयरफॉर 2a प्लस बी इक्वल क्या होगा 4, रिलेशन नंबर फर्स्ट, ए माइनस टू बी, ए माइनस टू बी इक्वल टू -3, 5c माइनस डी इक्वल टू 11, लेसन नंबर 3, एंड 4c प्लस 3d इक्वल 24। ये हमको 4 इक्वेशन मिलेंगे।
नेचुरली आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो इक्वेशन ऐसा है जो ए बी वेरिएबल हैं और ये दोनों में सी डी है, तो आप उसको एल्जेब्रिक मेथड से सिंपल सॉल्व कर सकते हैं और दोनों को सॉल्व करने के बाद आप इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है देखिए, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसमें 2 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ में 8 कर दें, मतलब 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई किया 2 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के साथ उसको 8 कर रहे हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू जब 4 और इसके साथ 8 होगा तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 5 है। सेकंड एलिमेंट 2 भी होगा, माइनस 2 भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 तो कितना हो जाएगा ये 8, क्लियर 8 होगा, 8 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, दैट इक्वल टू हो गया ये 5, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1, ये ए का वैल्यू फाइंड हो गया, क्लियर। बहुत आसान है, बाकी आप कर सकते हैं इसको। ए का वैल्यू अब यहाँ पर मैं पुट कर दूँ, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में ए का वैल्यू पुट कर दूँ मैं कितना 1, तो जाएगा ये इधर आके ट्रांसफर होगा तो b इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2, तो b इक्वल टू यहाँ पर 1 का वैल्यू पुट करूँगा 2 होगा, यहाँ 2 जाके माइनस होगा तो b इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। सिमिलरली इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, इसमें 3 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 इंटू इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, क्लियर, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 सी और डी के साथ क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 तो हो जाएगा 33 और 24 तो कितना हो जाएगा 5 57। अब इसको हम सॉल्व कर दें, दैट इंप्लाई सी इक्वल टू 57 में 9 डिवाइड करें कितना आएगा 3, क्लियर 3 आएगा। अब इसका वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दो, फ्रॉम, आसान क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि कैसे इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट अप कर दें तो 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11, दैट इम्प्लाइज डी इक्वल टू 15 माइनस 11 इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 4, इस तरह से ए बी सी डी के वैल्यू फाइंड हो गए। तो आसान क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से का क्वेश्चन है, इसमें बस ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इस तरह के कंडीशन में ऐसे आप बहुत से इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी का इस तरह से वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन लेके आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आप और अपने टेस्ट बुक से सॉल्व कर लीजिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आज का मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2x + 1 5x, सेकंड रो इज 0y² + 1 एंड दैट इक्वल x + 3 10 026, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करने बोला है, देन फाइंड, यहां हमको फाइंड करना है x + y, द वैल्यू ऑफ x + y का वैल्यू क्या होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पर है, आप क्या करोगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में दोनों को ऐड करके x + y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये सॉल्व किस तरह से हो जाएगा, देखिए ये 2x + 1 किसके इक्वल होगा, 2x + 1 इक्वल टू x + 3, दैट इम्प्लाइज x को इधर ट्रांसफर कर दें तो माइनस हो जाएगा x, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा 2, x इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया 2। इस तरह से देखिए इसको करने की जरूरत नहीं है, अगेन मान लो मैं इसको इसके इक्वल करता, किसी को भी कर सकते हैं, यदि हम 5x को 10 करें तो a भी x इक्वल टू 2 देगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी से या तो इसके हेल्प से या इसके हेल्प से, दोनों में से किसी भी एक के हेल्प से क्या करिए आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए।
अब वाई देखो यहाँ पर जीरो है, इस तरह के मैट्रिक्स में खासियत होता है, आपने देखा कि यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो रहना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइव होता तो यहाँ पर भी फाइव होता, अदरवाइज इसकी होमोजेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है फेलियर हो जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू वही होता है जो लेफ्ट में होगा राइट में होगा, बट वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर 26, अगेन वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 26, दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, देयरफॉर यहाँ ध्यान रखिए वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो गया तो आपको फिर क्या होगा, x प्लस वाई को दो वैल्यू फाइंड होंगे, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू, यदि हम प्लस को लें तो हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 6, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2 और माइनस 5 को लें तो माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भी अब आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका वही है कि लेफ्ट हैंड साइड के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को राइट हैंड, इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं और रहने के लिए बहुत आसान है ये, लेकिन आता है एग्जाम में ये, इसलिए मैं एग्जाम को ध्यान में रख के उसको आपको करा रहा हूँ, क्लियर। अब धीरे धीरे हम क्या इसके थोड़ा स्टैंडर्ड में बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 भी यही कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए बहुत बेस्ट है, आईआईटी जेई के लेवल या किसी भी प्रकार के आप कॉम्पिटिटिव में बैठते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए ये क्वेश्चन है ए इक्वल टू अल्फा 011, ए इक्वल अल्फा 011 एंड बी इक्वल 1051 ये है, और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी, साथ में एक और कंडीशन दिया है एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन आया समझ में आपको, हमको इसमें क्या दिया है ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो ये क्या है मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन पर, मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखें क्या है, ये हमको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, दैट इम्प्लाइज और अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ए का वैल्यू अल्फा 011 और अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, तो अल्फा 011 और इक्वल टू है अपने पास बी, और बी क्या है 1051 ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंबाइंड कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं बताया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और साथ ही साथ यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं, बाएं साइड का हम गुणा कर लें, देखें पहले चेक कर लें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2x2 है, भी 2x2 है, तो हम इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 0, यहाँ आएंगे तो अल्फा और इसके साथ में प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो गया, इसका इसके साथ में 0 हो गया, 1 का 0 के साथ में 0 हो गया, 1 का 1 के साथ में क्या होएगा 1, दैट इक्वल ये हो गया 1051, क्लियर। इस तरह से ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, उसके हिसाब से क्या होगा, ये देखो ये कंप्लीट 0 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, वो ऐसा होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 और ये 1, तो हम इसको इसके इक्वल कर दें,
और यहाँ पर अल्फा प्लस वन और इसको हम इसके इक्वल कर दें, क्लियर। तो क्या मिल जाएगा रिलेशन हमको मिल जाएगा, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल वन, दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड अगेन अल्फा प्लस वन इक्वल टू फाइव, अल्फा प्लस वन इक्वल टू फाइव दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू फोर। अब यहाँ पर देखिए मजेदार बात यह है कि ऐसा यदि क्वेश्चन यदि आपको आता है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेटिव में आया हुआ क्वेश्चन है, तो फोर मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन आप मैं आंसर दिया रहेगा तो उसमें विच इज नॉट पॉसिबल या नन ऑफ देम दिया रहा होगा, ये संभव नहीं है या इनमें से कोई नहीं, क्यों, विच इज नॉट पॉसिबल, वाई विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन दिस केस अल्फा इज प्लस माइनस वन एंड अल्फा इज आल्सो फोर विच इज नॉट पॉसिबल। एक वेरिएबल के इस तरह के दो वैल्यू नहीं हो सकते, सेम क्वेश्चन में अल्फा वन और अल्फा फोर पॉसिबल नहीं है। तो यदि ऑप्शन में आपको फोर ऑप्शन में एक ऑप्शन में प्लस वन दिया हो, दूसरे ऑप्शन में माइनस वन दिया हो, थर्ड ऑप्शन में फोर दिया हो और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया हो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो विच इज नॉट पॉसिबल इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि इस तरह से अल्फा के दो वैल्यू फाइंड हो गए, जबकि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस मैट्रिक्स में जितना वेरिएबल्स यूज हुआ है वो अपना सिंगल वैल्यू देगा, डबल वैल्यू, यहाँ अल्फा यूज हुआ है तो आइदर अल्फा वन होगा प्लस माइनस वन और फोर होगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये और यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली मैट्राइसेस में क्या है, मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे बात किया था कि यदि आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन आता है ढंग से तो मैट्राइसेस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब क्वेश्चन इसी पर बेसिकली बेस्ड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा और मल्टीप्लीकेशन के, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में आपको लेके जाता हूँ मैं, जहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट वन एक्स वन ये है। इसके बाद का जो नेक्स्ट मैट्राइसेस है वो इस तरह से है, 1 3 2 1 3 2 फर्स्ट रो, सेकंड इज 2 5 1 2 5 1 एंड थर्ड इज 15 3 2 15 3 2 और साथ में इसका थर्ड भी है जो इस तरह से है 1 2 x 1 2 x इक्वल टू जीरो और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x आपको फाइंड करना है। आ गया क्वेश्चन समझ में, ये क्वेश्चन है और इसके हेल्प से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए थ्री मैट्राइसेस, तीन अव्यूह का एक साथ गुणा हो रहा है, थ्री मैट्राइसेस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों तो एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो तीनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो सबसे पहले आपको यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किन दोनों को सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर थोड़ा आप केयर करना, यहाँ रेडिंग से मैं लिख रहा हूँ इसका ऑर्डर, ये देखिए इसमें रो कितने हैं, सिंगल रो है तो ये है 1 x 3 ऑर्डर का है पहला वाला, सेकंड वाला आप देख रहे हैं 3 x 3 का है और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो आया हुआ है इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितना है 1। एक्चुअल में ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप देख रहे हैं तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप देखो यहाँ पर 3 इसके पास कॉलम है और इसके पास रो 3 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नेचुरली, क्लियर, इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन सपोज इसको यहाँ बीच में डाल देता तो 3 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन कई बार होता क्या है
कि इस तरह से आपको मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कर देगा कि शुरू के दो के नहीं होते रहेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो आपको फिर लास्ट के साथ में करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो से अधिक मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, यदि ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने का आपको ज़रूरत पड़ा, तो कल मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि सबसे पहले किस किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने का आपको तरीका यही है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तो नेचुरली यहाँ तो होगा। तो पहले हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आएगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसका, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा सॉल्व लिख रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, तो इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक बात और कि जो मैट्रिक्स आने वाला है किस ऑर्डर का आएगा, 1x3 का आएगा, ये 1x3 का आएगा, मतलब उसमें क्या होगा, 1 रो होगा और 3 कॉलम होंगे। तो पहले से आप उसको इस तरह से बना लो, सिंगल रो होगा, 1 रो 3 कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, 1 रो और 3 कॉलम इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए अब यहाँ पर सावधानी से आप मल्टीप्लाई करिए। अब इसमें बहुत आसान है, एक तो रो है अपने पास और इसी का बारी बारी से सबके साथ में मल्टीप्लाई होते जाएगा, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो पहले का पहले के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखिए 1 × 1 मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ ना मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 1x × 2 दैट मीन्स 2x + 1 × 15 ये हो गया 15 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे तो आपको रो है नहीं, तो रो में जाना नहीं है आपको, यहाँ जगह नहीं मिलेगा, और लिख देता हूँ मैं इसका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, ये 5 है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, 3 + 5x और प्लस ये 3 हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 + x और प्लस ये क्या हो गया, 2, और ये हो गया हमारा 1 × 2x = 0, क्लियर। तो हमने ये दो मैट्रिक्स का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इम्प्लाइज इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 + 2x, ये हो जाएगा 6 + 5x और ये हो जाएगा 4 + x और ये 1 × 2x = 0। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होएगा, देखिए यहीं पर मैं लिखता हूँ मैं, दैट इम्प्लाइज इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसमें है 3 रो हैं और मैं सॉरी 1 रो है 3 कॉलम है, 1 रो है 3 कॉलम है, और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 3 रो 1 कॉलम है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देखिए 3 और 3 है। अब 1x1 का आएगा, मतलब कल मैंने बताया था सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स एक का काफी बनेगा, क्योंकि अब जो आने वाला है 1x1 ऑर्डर का है, मल्टीप्लाई करिए, सबका मल्टीप्लाई एक साथ होगा और सिंगल एलिमेंट मिलेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, तो 16 + 2x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 12 + 10x और इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, तो हो जाएगा 4x + x2, क्लियर, समझ में आया किसके साथ किसका होगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, और दैट इक्वल टू क्या है, ये 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, आपको कैसे डिसाइड करना है, क्लियर यहाँ तक। अब ये तो सिंगल एलिमेंट हो गया, तो सबको हम इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वर्ग समीकरण बनेगा, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं x² को लिख दूँ, ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज x² प्लस x वाले को लिखें तो 4x + 10x 14x हो गया, 14 + 2 = 16, ये हो गया 16x और प्लस इसके बाद आप देखो कांस्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 16 और 12 16 और 12 तो कितना हो जाएगा 28 = 0, दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये,
तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर लेते हैं, बीच वाले पद को तोड़ लेते हैं 16 को, तो कितना हो जाएगा ये 14 और 2, ठीक है 14 इंटू 2 28, 14 दूनी 28, 14 दो 16, ये हो जाएगा 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज इससे हम x कॉमन करें तो हो जाएगा x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन करें तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x प्लस 14 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू माइनस 2, ये क्या होगा इसका आंसर होगा माइनस 14 और माइनस 2। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। क्लियर, आंसर एक बार देख लूँ मैं, आंसर इसका है माइनस 2 एंड माइनस 14। क्लियर, क्या है कई बार क्या होता है मैथमेटिक्स में कि कहीं पर हम लोग पढ़ाते समय ध्यान में जो ध्यान में रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो कहीं पर जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ कुछ किया, कुछ माइनस 14 को प्लस 14 लिख डाला, यह मैथमेटिक्स में कॉमन बात है। जिस तरह का कुछ एरर हो जाए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसको करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि टीचर जब फ्लो में पढ़ाते रहता है तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारा टोटल कॉन्सेंट्रेशन मेथड क्लियर करने पर रहता है कि हम स्टूडेंट्स को उसके मेथड को हम प्रॉपर क्लियर कर सकें। क्योंकि मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को बताने से ये एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है, मेरा पर्पस क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेथड क्लियर करना कि भाई थ्री मैट्रिक्स हो और किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक अलग टाइप के क्वेश्चन में ले जा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई कई बार ये बहुत से बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, गिवन है ए इक्वल, ये क्वेश्चन आपको लगभग हर राइटर के बुक में मिलेगा। ये क्वेश्चन कोई भी राइटर का बुक आप कंसल्ट करते हैं, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है जनरली हर राइटर उसको कॉमन करता है। 0 - 10 α/2, 0 - 10 α/2 एंड सेकंड रो इज 10 α/2, 0 - 10 α/2 एंड 0, ये गिवन है ए इक्वल और हमको प्रूफ करना है। प्रूफ, देन प्रूफ i + a इक्वल टू i - a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए ये हमको गिवन है और i + a इक्वल टू इतना इंटू इतना हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर i क्या है, i क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट मीन्स एकक तत्समक, सॉरी हिंदी बोलते हैं तत्समक, कल मैंने मैट्रिक्स का टाइप्स पढ़ाया था, तत्समक मतलब जिसके एलिमेंट्स में क्या हो 1-1 हो, और 2 × 2 का है क्योंकि जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होते रहता है उसी ऑर्डर का वो होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं i + a निकाल लेते हैं, i + a इक्वल, तो i यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 1 0 0 1, ये i का वैल्यू हो जाएगा और प्लस a अपने को गिवन है 0 - 10 α/2, 10 α/2 एंड 0, दैट इक्वल दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 0 ये 1 हो गया, 0 + 10 α/2 यहाँ पर हो जाएगा 10 α/2 और यहाँ पर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लिया, i + a का वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करने के लिए
अब हम फाइंड करते हैं आई माइनस ए, आई माइनस ए और इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा किसका, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कास अल्फा। ये हमारा राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लिया, ये निकाल के रख दिया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड का वैल्यू, इसका वैल्यू दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i कितना होगा अपने पास, i का वैल्यू 1001 माइनस a, अपने को पता है ये 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0, ये हो जाएगा। और इसके साथ ये जो आएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, या एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले इसे लिखने का तरीका ये सही है, पहले मैं आई माइनस ए का वैल्यू फाइंड करता हूँ, यह आसान होगा, लिखने में सुविधा होगी। मैं आई माइनस ए का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ सबसे पहले, तो माइनस करिए इसमें, 1 माइनस 0 क्या होगा, ये 0 माइनस इतना तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस इतना तो माइनस हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये हो गया 1। ये हो गया आई माइनस ए का वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं देयरफॉर आई माइनस ए और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इसके साथ मतलब राइट हैंड साइड, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कास अल्फा दैट इक्वल। अब ध्यान दीजिए ये हमारा राइट हैंड साइड है, सबसे पहले मैं आई प्लस ए निकाला जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, फिर आई माइनस ए का अलग से वैल्यू फाइंड कर लिया ये, अब i माइनस ए में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमने i माइनस ए ऊपर से निकाला है, 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका cos अल्फा माइनस sin अल्फा साइन अल्फा एंड कास अल्फा ये। अब यहाँ पर आप ध्यान देना इसके मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा दैट इक्वल किस तरह से होगा, देखिए इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 1 का कास अल्फा के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, कास अल्फा हो गया, 10 अल्फा बाई 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसका ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 1 का कास अल्फा के साथ में और 10 अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं नीचे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जगह तो बनेगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा, इंटू कास अल्फा 1 का इसके साथ में मल्टीप्लाई, ये हो गया प्लस साइन अल्फा। अब हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 10 अल्फा बाई 2 कास अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 कास अल्फा, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और इंटू साइन अल्फा और प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कास अल्फा, क्लियर दैट इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से अपन सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अब इसको मैं 10 अल्फा बाई 2 को यहाँ पर मैं थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा आप समझना, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपन कास अल्फा बाई 2, क्लियर। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके कास अल्फा बाई 2 और कास अल्फा बाई 2 इसका एलसीएम है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2, ठीक है। थोड़ा लेंदी पोर्शन है, थोड़ा
शॉर्टेज में राइटिंग थोड़ा छोटा करके लिखना थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पर तो साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, तो साइन अल्फा बाई टू बचेगा यहाँ पर, तो प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखो सेम काम यहाँ पर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर भी कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू होगा, और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू इसके साथ साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं इसको साइन अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर भी साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू, तो कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम होगा कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ से बचेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर आप देखो प्लस यहाँ पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा, यही वर्क यहाँ पर भी अपन करेंगे, तो कॉस अल्फा बाई टू यहाँ इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, तो साइन अल्फा बाई टू साइन, तो कॉस अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, क्लियर, दैट इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना आप, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपने लगाना पड़ेगा, तो कौन सा फार्मूला है यहाँ पर देखिए, इसको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको याद होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला काहे का फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी दैट मीन्स कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मैं माइनस को कॉमन कर दूँ, माइनस कॉमन कर दूँ, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा ये, क्लियर। यहाँ पर देखिए साइन अल्फा, सॉरी यहाँ पर माइनस टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू लिखेंगे तो साइन अल्फा बाई टू होगा ना, साइन अल्फा बाई टू हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये साइन का फार्मूला हो जाएगा साइन, क्योंकि साइन कॉस है तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, अच्छा सबके अपान में ये है ना कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर भी अपान कॉस अल्फा बाई टू, और इस फार्मूला को आप देखो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये वही फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, और इसके भी अपान में कॉस अल्फा बाई टू, सबके अपान में कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा, ये है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, ये है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, ये है साइन ए माइनस बी फार्मूला, और ये है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। अब इसको हम आगे सॉल्व करें, तो मैं ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है, मैं मिडिल पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखना कि ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वह इसका वैल्यू है, दैट मीन्स किसका वैल्यू है, राइट हैंड साइड का वैल्यू है, तो ये मिडिल पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे अपने को और उसको कंटिन्यू सॉल्व करना है। दैट इक्वल अब हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू क्या बन जाएगा, अल्फा बाई टू हो जाएगा, तो यह हो गया कॉस अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू, वहां पर देखिए माइनस साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू,
और नीचे में देखिए ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और वो हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये हमारा मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ये दोनों कैंसल आउट होके हो जाएंगे वन, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे वन। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आप देखो रिलेशन फर्स्ट है वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और वन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू रिलेशन फर्स्ट में निकाला, राइट हैंड साइड जो ये दिया हुआ है उसका वैल्यू यही निकाला। तो देयरफॉर हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अपन लिख सकते हैं कि I प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हो जाएगा प्रूफ। क्लियर? इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं स्टार्टिंग से थोड़ा सा। ए गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इसके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लीजिए ये, फिर राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालने के लिए आई माइनस ए निकाल के इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर आप थोड़ा सावधानी रखेंगे और ये आपको वाच होना चाहिए कि कौन सा किसका फार्मूला है। तो यहाँ पर कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज किया गया। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा तैयार करिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है और उस पर एक क्वेश्चन बता दूंगा आपको, क्योंकि ये रेयर टॉपिक है। एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का रेखीय संचय। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब होता है रेखीय संचय। ये होता क्या है, देखिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है और इस पर एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन ही सफिशियंट है, एक ही क्वेश्चन से आप सब चीज समझ जाएंगे इसका, और क्वेश्चन के हेल्प से ही मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के हेल्प से ही क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इसी से आपको समझाता हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 2 3 3 2 ये है, और इस मैट्रिक्स को हमको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चेंज करना है। किसके किसके 1 0 1 0 0 1 एंड 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। हाँ देखिए क्वेश्चन किस तरह से होगा, ध्यान से समझिए कि आपको क्वेश्चन बोलेगा इस मैट्रिक्स को इसके और इसके फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप लिखो, सभी मैट्रिक्स के आर्डर इक्वल रहेंगे, वो 2x2 के भी हो सकते हैं, 3x3 के भी हो सकते हैं। तो आपको बोलेगा किसी एक मैट्रिक्स को ये दो मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। क्लियर? तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देयरफॉर ये मैट्रिक्स 2 3 3 2 इक्वल टू आप लिख लेंगे जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसके साथ C1, तो 1 0, ये C1 एक कांस्टेंट है 0 1, इसके बाद प्लस C2 0 1 1 0, यदि तीसरा रहता तो प्लस 3 C,
चौथा रहता तो प्लस सी फोर, ऐसा कंटिन्यूअस वो चलेगा। दैट इंप्लाइज आगे हम सॉल्व करें तो 2 3 3 2 इक्वल टू यहाँ पर सी वन के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया सी वन जीरो जीरो सी वन और प्लस ये हो जाएगा जीरो सी टू और जीरो। दैट इंप्लाइज आगे इसको सॉल्व करिए 2 3 3 2 और इसको हम लिखें तो इसका इसके साथ में ऐड होगा तो सी वन, ये इसके साथ ऐड होगा तो सी टू, इसके इसके साथ में ऐड होगा तो सी टू और इसके साथ ऐड होगा तो सी वन। देयरफॉर अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड का हम कंपेयर करें, दोनों साइड के मैट्रिक्स का कंपेयर करें तो सी वन का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं सी वन इक्वल टू 2 एंड सी टू इक्वल टू, सी वन का वैल्यू 2 है और सी टू का वैल्यू कितना है, 3 है। बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपको इसके वैल्यू फाइंड करके बता देना है कि सी वन का वैल्यू क्या है और सी टू का वैल्यू क्या है। इसके बाद क्या करना है, ये जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे हैं, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है, ये जो सी वन प्लस सी टू हम कंसिडर किए थे ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है। तो जो सी वन और सी टू का वैल्यू हमने निकाला है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो मैट्रिक्स को किस तरह से, देयर फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन इज ये लिखेंगे अपन 2 3 3 2 इक्वल, ये सी वन का वैल्यू क्या है अपने पास 2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 और प्लस सी टू का वैल्यू क्या है 3 और ये 0 1 1 0, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान है, कुछ भी नहीं है, बस मुझे समझाना था कि लीनियर कॉम्बिनेशन का इसका दूसरा क्वेश्चन करने का आपको जरूरत नहीं है, सब के सब क्वेश्चन इसी फॉर्म बनेंगे। एक बार मैं रिपीट कर दूं कैसे होगा, एक मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा और 2 या 3 या कितने भी अलग मैट्रिक्स के आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उसको लिखना होगा। फिर आप बाद में क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे और इस फॉर्म में लिखने के बाद सी वन सी टू का वैल्यू फाइंड करके लिख दोगे। चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ, हो सकता है आपको बुक में मिले ना मिले, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इसको, और आप लोग उसका आंसर इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप लोग उसको सॉल्व करना और उसका आंसर मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में देना, मैं चेक करूँगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने उसको ट्राई किया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तो बहुत आसान है, एक क्वेश्चन मैं बता दिया और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए, आप फाइनल आंसर मुझे बता देंगे, पूरा प्रोसेस नहीं ना, फाइनल आंसर मेरे को बता देंगे उसका कि आंसर क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसको लिखना है आपको, मैं 3 का देता हूँ ना, -3 4 2 0 -3 4 2 0, इसको इस मैट्रिक्स को आपको बदलना है किसमें, 0 1 1 0 0 1 1 0 सेकंड है -1 1 1 0 -1 1 1 0 एंड थर्ड है -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 3 हो गया करके परेशान मत होना, अभी मैंने आपको बताया इसको बदलना है, तो इसके सामने C1, इसके सामने C2, उसके सामने C3, फिर दोनों साइड को इक्वल करके आप C1 C2 C3 का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर, और तीनों टाइप का तीनों का वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उसको लिखेंगे C1 यहाँ, C2 यहाँ, C3 यहाँ। यदि आपको कंप्लीट आंसर लिखते नहीं बने, बाय द वे आपको सॉल्व करके आपको कमेंट्स बॉक्स में पूरा लिखते टाइप करते ना बने परेशानी हो, तो आप मुझे सिर्फ C1 C2 C3 का वैल्यू बता देना, C1 का वैल्यू बता देना, C2 का वैल्यू बता देना और C3 का वैल्यू बता देना, क्लियर, ये और पूरा बने तो पूरा लिख देना।
समझ गया क्या है? थ्री दिया तो परेशान मत होना, अभी मैंने आपको बताया इतना, एक बार हिंट देता हूं मैं आपको, इतना इक्वल सी वन इतना प्लस सी टू इंटू इतना प्लस सी थ्री इतना। फिर तीनों को आप ऐड करोगे, तीनों को ऐड करने के बाद इसके एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करोगे और वो तीनों को सॉल्व करके आप सी वन सी टू सी थ्री का वैल्यू फाइंड करोगे। सी वन सी टू का वैल्यू को यहाँ यहाँ और यहाँ रखोगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाएगा। समझ गए होगे? ठीक है, तो ये मेरे को आपको कमेंट्स बॉक्स में आप लिखो, मैं उसको चेक करूँगा। बिल्कुल वीडियो देखते ही करना है आप लोग को, ठीक है? तो आप मैट्रिक्स का मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।